हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल्स में देखने वाले बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बुक्स, किस तरह से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, और कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अगर आप मीडियम स्टूडेंट है या आप टॉपर है तो सभी के लिए मैं आपको बात करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है तो किस तरह से आपका सिलेबस होगा, पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, पासिंग क्राइटेरिया, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो स्टैंडर्ड बुक प्रेफर की जाती है वो है रॉस एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो है तो सबसे बेस्ट बुक है। फार्मेसी या एमबीबीएस को भी यही प्रेफर की जाती है बुक। तो मेरा सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यही रहेगा, अगर आप टॉपर है या मीडियम लेवल के हैं तो आपको यही मैं आपको बुक सजेशन करूँगा कि हूँ रॉस एंड विल्सन। तो फ्रेंड्स, रॉस एंड विल्सन के बाद यहाँ पर एक टॉटोरा है और एसेंशियल फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है और टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल फिजियोलॉजी है और ये निराली पब्लिकेशन की एक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बुक्स आपको अवेलेबल की है, आप सभी कंटेंट चेक कर आप चेक कर सकते हैं सभी बुक्स का पीडीएफ डाउनलोड कर। यहाँ से क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको परचेस करना है तो उसकी लिंक भी मिल जाएंगी, डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं। ओके, तो ये है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो ये बेसिक सब्जेक्ट होता है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक बुक ही चाहिए तो यहाँ पर आप निराली पब्लिकेशन की परचेस कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये सिंपली बेसिक बुक है और इससे अच्छी तो आपको एनसीईआरटी आप पढ़ कर 11th 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं, बस 11th 12th के बेस पे ही आपका ये सब्जेक्ट है और थोड़ा सा डीप में होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक है, ये भी आपको एक अच्छी बुक है। और उसके बाद जो है तो इसके अंदर सबसे अच्छी जो मुझे लगी है बुक वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वॉल्यूम 1 बाय डॉक्टर ए वी कस्तूरी। ये वाली बुक जो है तो सबसे अच्छी है आपके सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो है बुक्स तो थोड़े से हाई लेवल के जो आपको 5th 6th 7th सेम में काम आएंगे। ओके, तो ये अभी के लिए मैं यही प्रेफर करूँगा आपके लिए, तो यही आप ले सकते हैं कोई भी स्टूडेंट हो। तो फ्रेंड्स, ये आप सजेस्ट ले सकते हैं बुक या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और बुक चाहिए तो उसकी भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बस मुझे कमेंट कर दीजिए आप या वीडियो के नीचे या फिर इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी जो बुक आप चाहेंगे तो उसका पीडीएफ दे दूँगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक्स की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर सबसे बेस्ट बुक है लैकमैन एंड लिबरमंस इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये जो है तो आपको सबसे बेस्ट बुक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, यही प्रेफरेंस दूंगा मैं, क्योंकि ये जो बुक है आपको फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर आपके काम आएंगी और काफ़ी अच्छी बुक है। और जीपैट की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यही बुक में से आपको स्टडी करना है जीपैट की भी। अगर फार्मास्यूटिक्स की अगर करें तो जीपैट के लिए भी यही प्रेफरेंस दिया जाता है सभी टीचर्स और सभी प्रोफेसर्स के द्वारा। तो आप यही बुक प्रेफर करिए, यहाँ पर लिंक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और या फिर परचेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है तो बुक अवेलेबल नहीं थी मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में, बहुत जल्द मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बुक नहीं भी मिली तो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक दो दिन में आपको वेबसाइट के ऊपर वो भी मिल जाएगा। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स। तो उसके बाद जो है तो यहाँ पर है आपको कम्युनिकेशन स्किल की एक बुक, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, जो कि इसकी जो परचेस लिंक है वो मैंने नहीं दी है, काफ़ी कॉस्टली बुक थी वो, अप्रॉक्सीमेटली 3000 की बुक है। डायरेक्टली मैंने आपको पीडीएफ लिंक दी है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको परचेस ही करना है तो आप ये टेक्निकल पब्लिकेशन की परचेस कर सकते हैं, 85 रुपीज़ की है। ओके, तो
ये जो सब्जेक्ट होता है काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट होता है, इतनी आपको कोई कंपल्शन नहीं होता है, तो इजीली आप, नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है तो आप पास आउट हो सकते हैं। अगर आपको स्पेशल कोई और भी बुक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत जल्द हम जो है तो पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है उसके भी ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।